भारत माँ के अनमोल पुत्र रतन टाटा के जाने के बाद पूरे भारत की आंखें हुई नम। विदा करते हुए रोया पूरा देश। आज भारत ने अपने एक अनमोल रतन को हमेशा के लिए खो दिया। अब रतन टाटा के जाने के बाद आखिर कौन संभालेगा उनकी विरासत, यह जानने के लिए उतावली हुई पूरी दुनिया। दोस्तों, भारत माँ के अनमोल पुत्र रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें और उनके द्वारा किए गए काम हमेशा दुनिया याद रखेगी। रतन टाटा ने देश की भलाई के लिए अपना जीवन पूरा न्यौछावर कर दिए। दोस्तों, अब रतन टाटा के जाने के बाद उनके इतने बड़े साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, इस बात की चर्चा बड़े जोरों शोरों से हो रही है। देखा जाए तो अभी एन चंद्रशेखर टाटा सन्स के चेयरमैन जरूर हैं, लेकिन टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा ही थे। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब रतन टाटा का उत्तराधिकारी कौन होगा? आखिर लीगली तरीके से, कानूनन तरीके से कौन उनकी कमान संभालेगा? इसमें एक नाम ऐसा है जो सबसे आगे चल रहा है, लेकिन यह नाम जानने से पहले जरा आप टाटा परिवार का ये स्ट्रक्चर भी देखिए। टाटा शब्द की शुरुआत और टाटा इंडस्ट्रियल उद्योगों की शुरुआत सबसे पहले जमशेद जी टाटा ने की थी। दोस्तों, कौन होगा टाटा ग्रुप का उत्तराधिकारी, आगे वीडियो में विस्तार से समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि 86 साल की उम्र में सबके चहते रतन टाटा का निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के ब्रीज कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वह लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा और एक प्रतीक थे। राष्ट्र निर्माण में भी उनका इंपॉर्टेंट योगदान रहा। रतन टाटा का यूं अचानक चले जाना हर किसी के लिए एक बड़ी क्षति है। पूरे देश में शोक की लहर है। दोस्तों, वह भारत के सच्चे सपूत थे। देश के अनमोल रतन के अंतिम दर्शनों के लिए काफी भीड़ उमड़ी, क्योंकि रतन टाटा सिर्फ पैसों से ही अमीर नहीं थे, बल्कि दिल से भी अमीर थे। रतन टाटा एक उत्कृष्ट परोपकारी, जिनकी भारत के समावेशी विकास और विकास के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोपरि रही। रतन टाटा अटूट ईमानदारी और नैतिक नेतृत्व के पर्याय थे। टाटा को एक बेहतरीन और ग्लोबल ब्रांड बनाने में उनके कंट्रीब्यूशन को कभी नहीं भुलाया जा सकता। हालांकि रतन टाटा सिर्फ एक अरबपति नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने टाटा ग्रुप के साथ इस देश और यहाँ के करोड़ों लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। यही कारण है कि रतन टाटा के जाने से हर कोई दुखी है। खूब चैरिटी किया करते थे, लोगों की भलाई, उनकी सरलता, उनकी सादगी, यही उनके जीवन की मुख्य विशेषताएं थी। और उनके जीवन की प्यार की कहानी भी बड़ी दर्दनाक है। उन्हें भी प्यार हुआ था, लेकिन उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। और यह इतना शिद्दत से उस लड़की से प्यार करते थे। जब वह लड़की उन्हें नहीं मिली तो इसके चलते उन्होंने जीवन भर शादी भी नहीं की। अब जरा सोचिए इनका कमिटमेंट कितना मजबूत रहा होगा। दोस्तों, 1962 के भारत और चीन युद्ध के समय में रतन टाटा को अमेरिका के लॉस एंजल्स में एक लड़की से प्यार हुआ और वह शादी की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें वापस भारत लौटना पड़ा, क्योंकि उनकी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी। रतन टाटा को लगा था कि जिस महिला से वह प्यार करते हैं, वह भी उनके साथ भारत आ जाएगी। लेकिन रतन टाटा के मुताबिक 1962 के भारत और चीन युद्ध के चलते उनके माता पिता उसल लड़की के भारत आने के पक्ष में नहीं थे, और इस वजह से उनका रिश्ता टूट गया। इसके बाद उन्होंने जीवन में कभी शादी नहीं की। जरा सोचिए, एक लड़की के प्यार के लिए यह अपना पूरा जीवन कुर्बान कर सकते हैं, तो अगर उससे शादी करते तो उसे कितना बखूबी से निभाते। एक बार एक इंटरव्यू में जिक्र करते हुए उन्होंने अपने मैनेजर सांतनु की स्टार्टअप गुड फेलोज की ओपनिंग के दौरान इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने यह भी कहा था कि आप नहीं जानते होंगे अकेले रहना कैसा होता है। जब तक कि आप अकेले समय बिताने के लिए मजबूर नहीं होते, तब तक आपको यह एहसास नहीं होगा। आखिर जीवन भर जो इन्होंने अकेलापन में बिताया, 85 साल के बैचलर रतन टाटा ने कहा था कि जब तक आप वास्तव में बूढ़े नहीं हो जाते हैं, तब तक किसी को बूढ़े होने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। मतलब देखिए दोस्तों, उम्र और इनका हौसला 85 साल की उम्र में बोल रहे हैं कि आप मन से बूढ़े नहीं होंगे, तब तक बूढ़े होते ही नहीं है। यही तो इनकी एनर्जी है जो आज देश के हर एक युवा को प्रेरित करती है। हर किसी के लिए यह एक रोल मॉडल है
प्रेरणादायक हैं। दोस्तों, रतन टाटा की अगर कोई संतान होती तो शायद यह सवाल कभी खड़ा नहीं होता कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। वहीं रतन टाटा के जाने के बाद टाटा के समूह की जिम्मेदारी किसके कंधे होगी, उसमें कई नाम शामिल हैं। एक एक कर सभी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले रतन टाटा जैसे महान व्यक्तित्व के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, साथ ही साथ कमेंट में अपनी इच्छा से रतन टाटा के लिए दो शब्द जरूर लिखें। दोस्तों, रतन टाटा की 3,800 करोड़ रुपए के टाटा के साम्राज्य की कमान किसके हाथों में होगी, यह बात आज रतन टाटा के चाहने वाले जानना चाहते हैं। रतन टाटा के उत्तराधिकारी को लेकर चर्चाएं आज शुरू नहीं हुई हैं, यह काफी वक्त से चल रही है। दोस्तों, एन चंद्रशेखर टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। उनके अलावा टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनियों से बहुत से ऐसे लोग हैं जो फ्यूचर में टाटा ग्रुप में अलग अलग जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आ सकते हैं। तो ऐसे में टाटा का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इसके कई दावेदार हैं, एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले स्थान पर आते हैं नोयल टाटा। दरअसल रतन टाटा के पिता नोयल टाटा की दूसरी शादी स्विट्जरलैंड की एक बिजनेसमैन लड़की से हुई थी जिसका नाम था सिमोन, और उन्हीं बेटे नोयल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं, और यह फैमिली बॉन्डिंग नोयल टाटा को टाटा की विरासत हासिल करने के मामले में पहले नंबर पर रखता है। हालांकि उनकी बढ़ती उम्र को देखते हुए उनके तीन बच्चों में से किसी एक पर भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। नोयल टाटा के तीन बच्चों में माया टाटा, नेविल टाटा और लिया टाटा शामिल है। इनके अलावा रतन टाटा के एक छोटे सगे भाई भी हैं जिनका नाम है जिम्मी टाटा, जो हमेशा सुर्खियों और टाटा ग्रुप की एक्टिविटीज से दूर रहते हैं। अगर नोयल टाटा के तीनों बच्चों के बारे में जाने तो इनमें सबसे से पहले माया टाटा, जो कि 34 साल की है और टाटा ग्रुप में लगातार प्रगति कर रही है। बेस बिजनेस स्कूल और वार्विक यूनिवर्सिटी से एजुकेशन करने के बाद माया टाटा ने टाटा अपॉर्चुनिटी फंड और टाटा डिजिटल में कई इंपॉर्टेंट पदों पर काम किया है। उन्होंने खुद रतन टाटा से बिजनेस के बहुत सारे गुण सीखे। माया टाटा ने टाटा न्यू ऐप लॉन्च करने में भी बड़ा योगदान दिया था। अगला नाम है नेविल टाटा का। नेविल टाटा की उम्र 32 साल है और वह अपने पारिवारिक बिजनेस को नई ऊंचाइयां देने में व्यस्त हैं। नेविल टाटा भी एक स्ट्रांग दावेदार माने जा रहे हैं। अगला नाम है लिया टाटा का। नोयल टाटा की सबसे बड़ी बेटी लिया टाटा 39 साल की है। वो टाटा ग्रुप के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अपनी एक्सपर्टीज साबित कर रही हैं। उन्होंने स्पेन के आई बिजनेस स्कूल से शिक्षा प्राप्त की है और ताज होटलों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह 2006 से होटल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। हालांकि 2010 में उन्होंने 3 महीने के लिए लुई विटॉन में इंटर्नशिप भी की थी, लेकिन उसके अलावा उनका पूरा फोकस होटल इंडस्ट्री पर ही रहा। उन्होंने ताज होटल्स एंड रिजॉर्ट से असिस्टेंट सेल्स मैनेजर के तौर पर शुरुआत की थी। माया, नेविल और लिया को टाटा मेडिकल सेंटर ट्रस्ट का ट्रस्टी भी बनाया गया है, और पहली बार ऐसा हुआ है जब टाटा ग्रुप से जुड़ी किसी परोपकारी संस्था में युवाओं को जोड़ा गया। दूसरी तरफ हाल के ही दिनों में शांतन नायडू रतन टाटा के सबसे युवा जनरल मैनेजर और भरोसेमंद सहयोगी रहे हैं। कई बार उनकी पिक्चर्स भी काफी वायरल हुई हैं, तो ऐसे में उन्हें क्या भूमिका मिलेगी, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। रतन टाटा सिर्फ टाटा ग्रुप की बिजनेस स्ट्रेटजी का ही मार्गदर्शन नहीं करते थे, बल्कि ग्रुप के परोपकारी पहलों से भी बेहद करीब से जुड़े हुए थे। ऐसे में उत्तराधिकारी को लेकर यह बुनियादी सवाल है कि क्या वह टाटा ग्रुप में सामाजिक प्रभाव और अखंडता को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी उठाने के काबिल हैं या नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन बनेगा टाटा ग्रुप का उत्तराधिकारी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद,